दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल इंटीरियर ज्ञान में। दोस्तों आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम आपको बहुत ही प्यारा सा एक बेडरूम का डिज़ाइन लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों इसका वर्क पूरा हो चुका है, अभी ये फाइनल प्रोसेस में है। अगर हम इस बेडरूम की अगर साइज़ के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका 10x10 फीट का ही हमारा बेडरूम है, और इसके अंदर दोस्तों एक हम लोगों ने वार्डरोब को बनाया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक हाइड्रोलिक बेड भी है। चलिए फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग वार्डरोब को दिखाते हैं। अगर हम इस वार्डरोब के साइज़ के बारे में बात करें दोस्तों, ये जो हमारा वार्डरोब है 3 पल्ले का, इसका हम लोगों ने 5 फीट चौड़ा इसको बनाया हुआ है, और साथ ही साथ इसका जो हाइट है 7 फीट है, और इसके ऊपर दोस्तों हम लोगों ने लॉफ्ट बनाया हुआ है, और यहाँ पे टोटल 3 पल्ले हैं। यहाँ पे पहले पल्ले के अंदर दोस्तों ये हमारा सिंगल पल्ले का है, इसमें 2 सेल्फ दिया हुआ है और बीच में एक लॉकर का प्रोविज़न किया हुआ है, नीचे एक सेल्फ है। और इसके बाद दोस्तों हमारा ये जो दूसरा पल्ला है ये 2 पल्ले का, इसमें दोस्तों ऊपर की साइड में हम लोगों ने 1-2 सेल्फ दिया हुआ है और बीच में एक ड्रावर है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हैंगर का प्रोविज़न साइड में किया हुआ है। अभी दोस्तों हम लोग बेड की तरफ चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा बेड, ये दोस्तों हमारा हाइड्रोलिक बेड है, और इसका जो साइज़ है दोस्तों 6 फीट चौड़ा है, और इसका जो लंबाई है ये हमारा 6.5 फीट है, 6x6.5 फीट के दोस्तों। इसमें हम लोगों ने गद्दा रखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों हमारा टोटल बना हुआ है बेड, और साथ ही साथ दोस्तों ये रहा हमारा ड्रेसिंग टेबल, जिसका जो चौड़ाई है 22 इंच है, और इसका हाइट जो है 7 फीट है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है दोस्तों। अभी इस बेड को दोस्तों हम लोग ओपन करके दिखाते हैं। अभी इसको उठाते हैं, इसके टॉप को, तो ये दोस्तों ईज़िली ये उड़ जा रहा है, और इसके अंदर दोस्तों आप अपने सामान वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं ज़रूरत के, और इसको ईज़िली बंद भी कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों हम लोगों ने इसमें हाइड्रोलिक फिटिंग का यूज़ किया हुआ है, जो कि दोस्तों हमारा ये 175 kg का इसमें गैस स्प्रिंग लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से। और ये रहा दोस्तों इसका गद्दा, और साथ ही साथ दोस्तों ये रहा इसका हेडबोर्ड। अभी दोस्तों हम लोग इसके साइड टेबल की तरफ चलते हैं। तो ये दोस्तों हमारा हाइड्रिक, ये जो दोस्तों हमारा साइड टेबल है इसमें 2 ड्रावर दिया हुआ है, और ये जो दोस्तों ड्रावर है इसका हाइट 6 इंच है, और दोस्तों ये इसका ये रहा हेडबोर्ड। हेडबोर्ड को दोस्तों कुछ इस तरीके से हम लोग डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर में एक कॉलम था 5 इंच का, इसलिए दोस्तों इसको हम लोगों ने डिज़ाइन करके इसमें कुछ अपने सामान वगैरह डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं। और ये रहा दोस्तों हमारा ड्रेसिंग टेबल, इसमें भी दोस्तों सेम हम लोगों ने 2 ड्रावर दिया हुआ है नीचे के बॉक्स में, और उसके ऊपर दोस्तों हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें दोस्तों हमारा एक स्विच है और एक सॉकेट है। और ये रहा दोस्तों इसका मेन कैबिनेट, जिसका दोस्तों डेप्थ हम लोगों ने 6 इंच रखा हुआ है, और इसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने ग्लास का सेल्फ दिया हुआ है, और इसमें आप अपने कॉस्मेटिक सामान वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा ड्रेसिंग टेबल। दोस्तों अगर ये हमारा बेडरूम का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।